नेक्स्ट पे चलते हैं। ए किसी काम को 46 दिन में करता है, बी 20 दिनों में करता है, दोनों का बोल दिया, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। देखो वहां पे ए पहले काम शुरू करता है, यहां क्या बोलता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो पहले दोनों काम शुरू करते हैं, मगर काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, अब कब चला जाता है नहीं बोल रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहा था, रात को झगड़ा हुआ, बी अपना जो है गठड़ी उठाया चल दी, ये तो होता ही है मजदूर में। अब जितना काम बचा था मालिक तो पकड़ लिया कि बेटा तूने भगा दिया है उसे, अब तेरे को ही काम पूरा करके जाना होगा, आप भी रहते वही बोलते। तो ए को अकेले उस काम को करने में 23 दिन लगा, तो बताएं बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। ठीक है, तो पहले हम देखो इसमें हर बार दिमाग में क्या है कि भैया अच्छा ठीक है, अपने को कुछ समझ में नहीं आता, इतना समझ में आता है कि एक कितना काम कर दिया था, कितना काम बचा था। तो देखो ए 46 दिन में कर सकता था, ए ने 23 दिन तक किया, तो हमने क्या किया 46 माइनस 23, और कितना कितने दिन में कर सकता था 46 बटे 46, तो देखो 46 से 23 घटाओगे 23 बटे 46। अब देखो 23 को 46 से काटोगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा 23 दूनी 46, और 1/2 अभी मैंने बोला 1/2 बराबर क्या होता है आधा काम, 1 बराबर अगर पूरा काम है 1/2 के बराबर क्या होता है आधा काम होता है, तो ये आपको भी पता है, तो ये आधा काम है। अब दोनों मिलके मतलब आधा काम ए ने किया, आधा काम अगर ए ने किया, ए और बी मिलके कितना किया होगा आधा काम किया होगा, दो आधा मिलके तो पूरा होता है ना भैया, आधा बराबर 1/2 होता है। अब देखो ए 46 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में अकेले काम को पूरा कर सकता है ना, अब हमें पता क्या है, इन दोनों को गुणा करना है और इन दोनों को जोड़ना है, तो देखो 46 गुने 20 और 46 प्लस 20 66 हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये ए और बी जो है अगर दोनों मिलकर काम करता तो इतने दिन में हो जाता, ठीक है, लेकिन हुआ कितना आधा काम है, तो देखो वही पहले ही तरह है कि हमने इसको गुणा किया और इसे फिर आधा से गुणा किया। अब चलो हम काटना शुरू करते हैं, काटना जब शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये भी गड़बड़ है, तो देखो यहां पे 2 से काट रहे हैं, चलो ये 10 हुआ, और 2 से जब इसको काटेंगे तो ये क्या होगा 33 होगा, और जब इसे भी 2 से काटेंगे तो ये 23 होगा, और ये क्या है कॉपी पेस्ट का भूत है, तो ये क्या होगा 23 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा भैया 230 होगा, और नीचे क्या है बटे 33 होगा, तो मतलब हमें पूर्णांक में निकालना है, तो 230 को देखो यहां पे 33 से भागा देना होगा, तो 33 से भागा देंगे तो 3 6 18 का 8 हाथ में रहा 1, 3 6 18 1 19 हुआ, ठीक है ना। अब 10 में से 8 गया 2, अब 12 में से 9 गया 3, ये 32 आया अवशेष में, ठीक है ना। तो फिर हम कैसे लिखेंगे, देखो हमारा 6 क्या है 6 पूर्णांक में आएगा भागफल, अवशेष जो बच गया 32 वो यहां आएगा, ठीक है ना, और जो जिससे हम भागा दे रहे थे वो यहां आएगा। देखो 3 बार बता दिया आपको हमने, अब 3 बार अगर जिनका जिनका रुकना था, अब ये सीख जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अब प्रैक्टिस का सवाल देखो, यही सवाल को यहां पे हमने हल्का से करके दिया हुआ है, तो आशा करता हूं कि आप जरूर इसे कर पाएंगे, ठीक है ना।